गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है सेकेंड डे कैम्ब्रिज में और अभी हम लोग जा रहे हैं बोटानिकल गार्डन्स जो कैम्ब्रिज के हैं। अपेरेंटली बहुत अच्छे हैं, हमने आज जितनी बार भी आए हैं अभी तक देखा नहीं है, बट इस बार जाके देखते हैं। वेदर भी आज बहुत अच्छा है, सो अनदर गुड डे आई गेस अहेड ऑफ अस। हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं बोटानिक गार्डन्स कैम्ब्रिज के। आई होप बहुत से अच्छे फ्लावर्स हों अंदर, क्योंकि अभी स्प्रिंग तो आ गया है, तो आई होप फ्लावर्स भी हों यहाँ पे। सो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे। ये तो एंट्रेंस में अच्छे फ्लावर्स हैं, अंदर देखते हैं। ये पूरा ट्री जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे बड्स इसके खुलेंगे, पूरा फ्लावर जो है पूरा ट्री फ्लावर से भर जाता है। ये बहुत बड़ा गार्डन है, ये पूरा मैप है, देखते हैं क्या कवर कर पाते हैं। ये पूरा ट्री फ्लावर से भर जाएगा जो खिलेंगे ना बड्स सारे, और बहुत सुंदर लगता है। सुंदर लग रहा है ये ट्री। हाँ, दैट्स द बैम्बू मायरा। एंड ये देखो, वो जो मैं ट्री दिखा रही थी, इस वाले ट्री जो फ्लावर्स दिखाए थे, इसमें देखो फ्लावर्स खिलने शुरू हो गए हैं। दिस इज द ग्लास हाउस और इसके अंदर अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट प्लांट्स आर देयर इनसाइड इट। Yeah, plant pot. Amira की जो ट्रेल है जिसमें Amira is looking for certain plants, वो सारी Amira तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी चीज़ें। I think जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जो वार्म एरिया के प्लांट्स हैं, जैसे बनाना ट्री और वो कैक्टस वगैरह, वो यहाँ मिलेंगे। और ये देखो, ये जो ग्रीन कलर के फ्लावर्स ये हैंग कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने देखे थे, और ये बहुत कम टाइम के लिए ब्लूम करते हैं, सो इट वाज रियली नाइस टू सी समथिंग डिफरेंट। इतना अच्छा लग रहा है ना इतने टाइम के बाद, मौसम अच्छा हुआ है, कोल्ड एंड रेन ख़त्म हुआ है, एंड बाहर घूमने में आपको ठंडा नहीं लग रहा। इवन तो थोड़ा ठंडा है, बट ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है पूरा पार्क। सो फ्लावर्स एक्चुअली क्या है ना, ये जो गार्डन है कैम्ब्रिज का बोटैनिक गार्डन, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है कि हाउ डिफरेंट प्लांट्स इवॉल्व इन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे डार्विन की जो एवोल्यूशन स्पीशीज थी, सो दिस इज़ मोर अबाउट एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। सो डार्विन का ही जो टीचर था, वो उसने ये गार्डन बनाया था, आई फॉरगॉट हिज नेम, अभी मैं आगे देखूँगी, हेल्सन और समथिंग लाइक दैट हिज नेम वॉज। सो ही वॉज मोर इन टू द प्लांट एवोल्यूशन, जबकि डार्विन वॉज मोर इन टू द स्पीशीज एवोल्यूशन। तो इसलिए इस बोटैनिक गार्डन में फ्लावर्स कम हैं, बट प्लांट्स और कुछ फ्लावर्स अभी जो हैं वो फ्लावर भी नहीं हुए हैं। जैसे ये देखो मेरे पीछे भी एक है, इसमें बर्ड्स आई हैं अभी, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं। तो ये एक तरह से फ्लावर गार्डन नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट द प्लांट्स। बीच में मेज़ भी है जब तक बनी नहीं है, बिकॉज वो ग्रो करते हैं, तो अभी तक वो ग्रो हुई नहीं है प्रॉपरली। सो लेकिन अच्छा है गार्डन घूमने के लिए, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। सो एक तरह से ये बड़ा सा पार्क है, ये गार्डन है, थोड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें।
एंड अगर वेदर अच्छा हो तो बच्चों के साथ आने के लिए अच्छी जगह है। देखो इस पूरे गार्डन में ऐसे हर तरह की ग्रास जो है उसके नाम लिखे हुए हैं। हाउएवर स्मॉल दीज प्लांट्स आर, प्लांट्स सभी के नाम लिखे हुए हैं। जहाँ भी जाओ, इतना बड़ा ये बोटानिक गार्डन है और इतना हर जगह हर प्लांट का नाम लिखा हुआ है, जो हर तरह ग्रास है ना उसका भी लिखा हुआ है। ये गोइंग इनसाइड अ रॉकी पिट, let's see, going deeper and deeper and deeper inside, and what do we find here? A big pit. Yes, we are in a big pit. Now we're going inside this big hollow tree, और इसके अंदर पूरी den है। ये इतना डेंस ट्री है। लेट्स गो अंडरनीथ। बी केयरफुल। कितना बड़ा ट्री है, इसकी ब्रांचेस और इसकी रूट्स इतनी फैली हुई है। ओह, समर्स में कितना अच्छा लगता होगा इसके अंदर शेड में बैठना। ओ डियर। तो मैं तो उस ट्री से, देखिए ट्री देखो मेरे पीछे है इतना बड़ा, तो मैं इस ट्री के अंदर से, इतनी ब्रांचेस थी तो मैं तो बाहर ही आ गई वहाँ से। और लोग कहते वो जो पीछे एक फ्लावर वाला प्लान पूरा ट्री है, इतना फ्लावर से भरा हुआ है, इट इज़ सो नाइस। सब उसके आसपास आके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सम स्नैक टाइम बिफोर कंटिन्यूइंग अहेड। ये है सेंट मेरीज चर्च और ये किंग्स कॉलेज के ऑपोजिट है एंड काफ़ी पुरानी चर्च है। एंड अदर थिंग अबाउट दिस चर्च इज़ कि इसके आप रूफ टॉप में जा सकते हो, यू हैव टू टेक अ टिकट ऑफ कोर्स, एंड वहाँ से पूरे व्यूज़ ऑफ द कैम्ब्रिज सिटी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख रहे हो अभी। एंड दिस इज़ द मार्केट स्क्वायर, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। और इनके देखो, इनके जो स्टॉल्स के रूफ हैं कितने कलरफुल हैं। और इस साइड आपको देखो, राइट साइड में जो है ये किंग्स कॉलेज दिख रहा है जिसका एक कंस्ट्रक्शन का पूरा इसके फोल्डिंग लगा हुआ है। एंड एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट, दैट्स अ किंग्स कॉलेज। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है वाइट कलर की, ये भी सेंट मेरीज चर्च के ऑपोजिट है एंड इट्स कॉल्ड द सेनेट हाउस। जितनी भी कॉन्वोकेशन सेरेमनीज होती हैं मोस्ट ऑफ देम टेक प्लेस ओवर हियर इन दिस बिल्डिंग। जैक्स जिलेटो जो है कैम्ब्रिज में बहुत फेमस आइसक्रीम शॉप है, बहुत छोटी सी है बट इट्स रियली बिजी, बहुत लंबी क्यूज होती है। यहाँ पर मॉल के अंदर उन्हें अप्रैल मंथ के लिए जो है डायनासोर्स लगा रखे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डायनासोर्स। Was they not real? America? My favorite. Oh yes, this is the T-Rex. Or Tyrannosaurus Rex. Yeah, or Tyrannosaurus Rex. And this is pterodactyl. Look, it's making the noise as well, the sound. The flying dinosaur, pterodactyl. Some more dinosaurs, Stegosaurus. Oh, there's another one here. But this one is going off from outside. No, it says Coelophus. No. Is this Velociraptor? This one? Yeah, this is Velociraptor. This one? Ankylosaurus? Or even Spinosaurus? No, Spinosaurus has that big spine. Okay, then this must be Ankylosaurus. Let's check the name. Because... Oh,
Carnotaurus. Oh, even Carnotaurus has spikes. I had no idea. Yeah. And now we have come to Grantchester. यहाँ पे जो है देर इज़ दिस वेरी नाइस ऑर्चर्ड और ऑर्चर्ड के बीच में जो है यहाँ पे टी रूम है. सो यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है एंड सारे टेबल्स एंड चेयर्स जो हैं एप्पल ऑर्चर्ड में हैं. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्चर्ड जो टी शॉप है एंड ग्रैनचेस्टर में. कैम्ब्रिज से हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव है या नॉट इवन 15 मिनट्स एक्चुअली लेस देन 15 मिनट्स. इट्स अ वेरी नाइस एंड यूनिक प्लेस टू कम टू if weather is nice. जमीन में पूरे फ्लावर्स आते होंगे, बहुत सुंदर लगता होगा. अभी तो कुछ कुछ चीज़ में फ्लावर बड्स आए हैं लेकिन पूरा ब्लूम जो है ये आई थिंक इन अ मंथ और सो होगा. ट्रीज पूरे एप्पल ब्लॉसम. और हमारा छोटा सा जो वीकेंड गेट अवे था वो ख़त्म हो गया है एंड नाउ वी हेडिंग बैक टू लंडन. सो आई विल नाउ शेयर अ न्यू व्लॉग वेरी सून. Till then, do like and subscribe. Bye.